किसान का खेती करना ये धर्म है, कृषि धर्म। व्यापार का, व्यापारी का व्यापार करना व्यापार धर्म है, लेकिन उसमें मिलावट नहीं करना, घी में, तेल में, हल्दी में, दवाई में। और प्रॉफिट जैसे आटे में नमक डालते हैं वैसे लेना, नमक में आटा मत डालना। व्यापार धर्म है, कृषि धर्म है, गृहस्थ धर्म है, सन्यास धर्म है, पढ़ना धर्म है, पढ़ाना धर्म है, सत्संग करना धर्म है। जो भी सत्कर्म है जीवन में वही धर्म है, बस ये धर्म का मर्म है, ये समझ लेना। तो हर कर्म हमारा धर्म है, कर्म ही धर्म है। सब बोलेंगे कर्म ही, कर्म ही। बस अब कर्म दो तरह के होते हैं, एक धर्म एक अधर्म। उस अधर्म को पाप कर्म कहते हैं और धर्म को पुण्य कर्म कहते हैं। जब आप सेवा करते हैं ना, ये धर्म है। जब आप सेवा लेते हैं ना, तो ये धर्म की श्रेणी में नहीं आता। आप धर्म नहीं कर रहे हो, धर्म बोले भाई धर्म कर लो, धर्म कर लो मतलब सेवा करो, तो आप लोग धर्म में लगे रहे। तो आप यदि योग कर रहे हैं और करा रहे हैं तो आप धर्म कर रहे हैं, और ये धर्म सभी के सभी कर सकते हैं। इसके लिए कोई पैसे की जरूरत। तो मैं सब बहनों से चाहता हूं कि धर्म करें, ये योग धर्म को अपनाएं, ये सेवा धर्म को अपनाएं। योग से बड़ी कोई सेवा नहीं। देखो, आपको हॉस्पिटल के माध्यम से सेवा करनी है, हॉस्पिटल के द्वारा, तो क्या बनाना पड़ेगा? एक तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा, 10-20-25-50 लाख रुपए का। फिर उसमें डॉक्टर रखना पड़ेगा, फिर उसमें दवाइयां देनी पड़ेंगी, वो भी फ्री देनी पड़ेंगी। और वो दवाई फिर यदि असली होगी तो असर करेगी, असली नहीं होगी तो असर नहीं करेगी। डॉक्टर समझदार होगा तो असर करेगी, डॉक्टर ना समझ है उल्टी पुल्टी दवाई दे देगा तो असर नहीं करेगी। हो सकता है कोई आया था कोई आदमी जिंदगी पाने के लिए, हो सकता है उसको मौत मिले। तो हॉस्पिटल से सेवा सब नहीं कर सकते, और हो सकता है हॉस्पिटल में सेवा कम और किसी की मौत भी हो सकती है, उसमें धर्म कम अधर्म भी हो सकता है, पुण्य कर्म पाप भी हो सकता है। हॉस्पिटल बनाकर के सेवा करना सबके बूते की बात, सबके औकात में नहीं है, सबकी हैसियत नहीं है। गौशाला से सेवा करना, पहले गौशाला बनाओ, फिर गाय उसमें पालो, फिर उनको चारा दो, फिर वो बीमार हो जाए तो उनका इलाज कराओ, ये करना चाहिए। हॉस्पिटल चलाने चाहिए, गौशाला चलानी चाहिए, धर्मशाला चलानी चाहिए। लेकिन धर्मशाला बनाने के लिए पैसा, फिर उसको चलाने के लिए उसका खर्चा, फिर ऐसी पाठशाला चलाने के लिए, तुम जो भी सेवा करोगे उसमें क्या लगेगा? पैसा। बिना पैसे के एक ही सेवा हो सकती है, वह है योग की सेवा। योग सेवा, ये मानव सेवा, राष्ट्र सेवा, भगवान की सेवा का सबसे बड़ा। जो योग करेगा उसका शरीर शुद्ध होगा, उसकी इंद्रियां शुद्ध होगी, उसका चित्त शुद्ध होगा, और वो भगवान को पाएगा। तो आपको ये योग की सेवा, इससे आपको पुण्य मिलेंगे, जो कर रहा है उसके भी पुण्य बढ़ेंगे और भगवान भी मिलेंगे। सेवा से मेवा भी मिलेगी, सेवा करते करते आपके पुण्य बढ़ते जाते हैं, आपका यश, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सारी दुनिया आपके कदमों के पीछे चलेगी। आज हम यहां बैठे हैं, हमारे पीछे नेपाल से लेकर के हिंदुस्तान से लेकर के देश और दुनिया के जहान के करोड़ों लोग क्यों खड़े हैं? क्योंकि हमने सेवा की। जब आप सेवा करते हैं तो सारी समष्टि की दिव्य शक्तियां आपके साथ साथ खड़ी हो जाती हैं। ये सेवा का फल है। घर वालों की सेवा करते हो तो घर वाले भी खड़े नहीं होते साथ में। पत्नी धोखा दे देती है, पति धोखा दे देते हैं, बच्चे धोखा दे देते हैं,
बेटी बड़ी हो जाती है तो ससुराल में चली जाती है, बेटा बड़ा हो जाता है तो बहू के साथ हो लेता है, धी जवाई ले गए बहुए ले गई पूत और तू तो रह गई उत की उत। घर में भी सेवा करते हो लेकिन वो सेवा सात्विक सेवा नहीं है, वो राजसिक सेवा है, उसमें तुम्हारा स्वार्थ जुड़ा हुआ है। यहां सेवा हो रही है और किसी के घर में दो चार अच्छे औलादे हैं तो बड़ा खुश होता है बाप, यहां तो इतनी औलादे हैं कि हम गिन ही नहीं सकते, तो कितनी खुशियां होंगी। यह है योग का परिवार, यह है योग की सेवा। मैं आप सब भाई बहनों से जो यहां आए हैं, इसमें से कुछ योग शिक्षक कार्यकर्ता हैं, कुछ इसमें दायित्वधारी जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं सेवा की वो हैं, कुछ इसमें अभी श्रद्धालु हैं, वो एक विश्वास लेकर के आए हैं कि हम बाबा के पास में जाएंगे, ज्ञान दीक्षा लेकर के आएंगे, योग दीक्षा लेकर के आएंगे। आज आपको ये दीक्षा देते हुए इस बात को कह रहा हूं कि जो आपने योग सीखा है उसको 10, 20, 50, 100 लोगों तक सिखाना तो ही ये योग पूरा फलीभूत होगा। तो इससे इसके पुण्यों से आपका जीवन प्रकाशित होगा, आपका कुल वंश खानदान तरेगा, पूरा नेपाल आगे बढ़ेगा, जन जन आगे बढ़ेगा, पूरा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, पूरा जहान आगे बढ़ेगा, सबके जीवन में शुभ होगा, सबके जीवन में धर्म होगा, अहिंसा होगी, सत्य होगा, सदाचार होगा। और योग करके जब सबके चित्त पावन होंगे तो सबके हृदय मंदिर में उस भगवान की दिव्यता का अवतरण होगा। यही तो बड़ी बात है, देह देवालय शिवालय बनेंगे। यह धर्म का स्वरूप, यह सेवा का स्वरूप, यह है भगवान का स्वरूप, यह भगवान की भक्ति का स्वरूप। भाई बहनों, यही ज्ञान दीक्षा, यही योग दीक्षा, यही सेवा दीक्षा लेने के लिए आप श्रवण मास में ज्ञान श्रवण के लिए, शास्त्र श्रवण के लिए, वेदवाणी के श्रवण के लिए, गुरुओं की वाणी के श्रवण के लिए आप यहां आए हैं। आप साधारण आत्मा नहीं, अनेक जन्मों के पुण्य आपके उदय हुए हैं, इसलिए आप यहां पर हरिद्वार तक इतना तप करके आए। और ये जीवन ऐसे ही नहीं मिल गया है, हमारे गुरुदेव आचार्य श्री पद्म जी महाराज जी के गुरु जी हमको गुरुकुल में जब हम बच्चे थे तब वहां ले जाया करते थे, स्वामी सोमानंद जी महाराज जी कहा करते थे, इंसान का जन्म हुआ तो समझो कि शैतान की मौत हो गई है। मनुष्य का जन्म हमें मिल गया है, ये बहुत बड़ी बात है, इसका मतलब हमारे जीवन का अशुभ मिट गया है। ये हमारे जीवन में अशुभ होता तो हमें मनुष्य का जन्म नहीं मिलता। कितने करोड़ों खरबों जीव हैं, अंगुली जितनी जगह टिकाते हैं उतने में करीब 700 अरब जीव आ जाते हैं। इस सृष्टि में कितने जीव भरे पड़े हैं और सब में से श्रेष्ठ कौन? मनुष्य। बड़े भाग मानुषतन, कितना उच्च कोटि का जन्म और जीवन हमको मिला है, अब इसको व्यर्थ नहीं जाने देना है। अपने घर के दायित्व तो निभाना, खेती बिजनेस व्यापार नौकरी धंधा वो सब करना, लेकिन सुबह सुबह एक घंटा योग सेवा भी सब करना, ये संकल्प लेकर के जाना, ये आपका इस जन्म में भी काम आएगा और अगले जन्म में भी काम आएगा। जो तुम मकान बनाते हो यहीं रह जाता है या साथ में जाता है बोलो? जो तुम बैंक बैलेंस इकट्ठा करते हो यहीं रहता है या अगले जन्म में खाते में ट्रांसफर हो जाता है? कोई पिछले जन्म का खाता हाथ लगा किसी को? तो भाई ये भूमि, ये भवन, ये जमीन जायदाद, ये बैंक बैलेंस
नेक्स्ट बर्थ के लिए, अगले जन्म के लिए ट्रांसफरेबल नहीं है, लेकिन जो तुम पुण्य करोगे इस जन्म में भी सुख पाओगे और इस पुण्य का अनेक जन्मों तक आपको फल मिलेगा और आगे आगे बढ़ते ही जाओगे मुक्ति तक। ये पुण्य आपके काम आएंगे। जो अब कर्म का मर्म समझ लो, जो कर्म करते हैं उसका अनंत गुना फल अपने को मिलता है। अब कर्म का मर्म समझ लो, कर्म का स्वरूप निष्कर्ष के रूप में सब शास्त्रों का सार कह रहा हूं। जो कर्म करते हैं वो अनंत गुना होकर के अपने को मिलता है। सेवा लोगे तो अनंत बार सेवा देनी पड़ेगी, सेवा करोगे तो अनंत गुना पुण्य तुम्हारा बढ़ाएगी। इसलिए कभी भी जिंदगी में सेवा लेना नहीं, सेवा लेने वाला काम घाटे का काम है, सेवा देने वाला जो काम है ये मुनाफे का काम है, ये फायदे का काम है, ये प्रॉफिट का काम है। जो करते हो वो अनंत गुना होकर के मिलता है। ये कर्म की फिलॉसफी है, कर्म का दर्शन सिद्धांत है। 1 किलो सरसों डालो खेत में, कितनी होगी? 4 महीने बाद 1000 किलो। मैंने बोई है इसलिए मुझे पता है। सरसों का तेल खाते हो ना? सरसों 1 किलो बो तो 4 महीने में कितनी गुना हो गई? 1000 किलो। सरसों बोना ये सेवा है, ये पुण्य है, ये भूदान है। और उसका तेल बना के खाना ये सेवा लेना है, ये भोग है। भोगने से खत्म हो जाते हैं। जो खाओगे तो थोड़ी देर मजा आएगा और बाद में वो शौच बन करके निकल जाएगा। जो खाया वो खत्म हो गया, जो बोया वो बढ़ गया। अब समझ में आई बात? जो भी तुम भोग करोगे वो खत्म होने वाला काम है, जो तुम सेवा करोगे वो बोने वाला काम है। 1000 किलो सरसों बो दी, 1 किलो से 1000 किलो सरसों, 1000 किलो सरसों को बो मत, फिर सेवा करो, फिर बढ़ाओ, फिर बो। 1000 किलो से कितने हो जाएगी? 1000 किलो का 1000 से गुना करो, 1000 गुना 1000 कितना हो गया? 1000 गुना 1000 10 लाख हुआ है या 1 लाख? 10 लाख। फिर 10 लाख किलो सरसों बो दो, 10 लाख को फिर 10 लाख से गुना करो, तो 1 किलो सरसों से थोड़े ही दिनों में बस बोते ही जाओ कितनी सरसों हो जाएगी। और फिर ये क्रम 100 साल तक जारी रखो तो 1 किलो सरसों इतनी हो जाएगी, ये हॉल जो करीब 2 लाख स्क्वायर फीट का है ये भी भर जाएगा, तो भी वो सरसों और ही बढ़ती जाएगी, है ना? मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, ओ जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़े बड़े मर्यादा, किसी को कोड़ी कम नहीं देता, मिले न पाए ज्यादा। ओ इसीलिए वह दुनिया का है, इसीलिए वह दुनिया का है जगतपति कहलाता। ओ मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में
बिजली करनी कर ले रे बंदे कर मन करियो काला। बिजली करनी कर ले रे बंदे कर मन करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने भला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। ओ उसकी तेज नजर से बंदे तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता हूँ। मेरे दाता के दरबार में क्या साधु क्या संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। ओ अंतर्यामी अंदर बैठा अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता हूँ। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता हूँ। मेरे दाता दरबार में सबको खाता। मेरो दाता को दरबार में लेकिन सबको खाता। जो कोई जस्तो कर्म गरोसा जो कोई आसो नेपाली आती नहीं है जस्ते ये पाँचों साथा हो। मेरो दाता को दरबार में सबको खाता। मेरो दाता को दरबार लेकिन सबको खाता। नेपाली में गाओगे तो तुम्हें ज्यादा आनंद आएगा।